हाय, आज हम लोग बात करने वाले एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है? तो एंड्रू गारफील्ड वाला नहीं, एंड्रू नॉर्मल वाला, ठीक? तो लिख सकता हूँ मैं इधर एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिकली ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? चल मैं थोड़ा सा बैक हिस्ट्री पहले बता देता हूँ कि क्या 200 साल पहले की कहानी थी। तो पहले माना जाता था जो हमारी गैस है, जैसे कि एयर, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ गैस फॉर्म में पाई जाती है, उसको लिक्विड या सॉलिड नहीं किया जा सकता। और पहले का मानना ये भी था कि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है टेम्परेचर, मतलब कोई भी चीज बर्फ से ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती, ऐसा मानना था, ऑब्वियसली जो कि गलत था। तो एंड्रयू ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ कर दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसको भी हम लोग लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट मोटे मोटे तौर पे यही है कि कैसे जो है, किस कंडीशन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है? तो एक ओवरव्यू तुम लोग को मिल गया है। अब हम लोग डायरेक्ट सेटअप की तरफ आते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, सेटअप तुम लोग को बुक से ही दिखाता हूँ। तो ये था एंड्रयू का सेटअप। तो बेसिकली एंड्रयू ने क्या किया, मान लेते हैं ये दो स्केचेस से समझ लो, ठीक है? ये दो स्केचेस है मेरे पास, एक मिनट, पेपर को ज्यादा ही ओढ़ रहा है। हाँ, तो मान लो ये दो स्केचेस हैं, ठीक है, ये दोनों ग्लास ट्यूब है, ठीक, और ये जो व्हाइट पोर्शन है ये वाला स्टोरिंग एरिया है, ठीक है? तो एक में मैंने जो है एयर भर दी, नॉर्मल एयर जो मतलब हमारे आसपास है, ठीक, और दूसरे में मैंने कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, ठीक है? एक में एयर, ये ब्लू वाले में एयर, और दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों को ऐसे लगा दिया, ठीक है? दोनों को बेसिकली एक तरीके से कनेक्ट कर दिया, आई होप तुम लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है? और इस पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया, ये पूरा सेटअप पानी में डूबा हुआ है, ठीक है? तो मतलब दो ट्यूब्स लिए मैंने, एक के अंदर एयर भर दी, दूसरे के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भर दी, दोनों को ऐसा फिट करके यहाँ पे रख दिया और पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया। अब ये क्यों कर रहे हैं ये समझते हैं, ठीक है? तो पानी में डालने का रीजन ये है ताकि टेम्परेचर इन दोनों का सेम रहे, ठीक है? जो पानी का टेम्परेचर रहेगा वो इन दोनों का टेम्परेचर रहेगा, चलो ठीक। नीचे ये दो तुम्हें जो है यहाँ पे दो ऐसा पिस्टन टाइप दिख रहे होंगे, ठीक है? ये दोनों पिस्टन का काम है इसके अंदर के प्रेशर को ऊपर नीचे करना, ठीक है? दोनों के प्रेशर को ऊपर नीचे किया जा सकता है। अब हम लोग को बॉयल्स लॉ पता है, बॉयल्स लॉ के हिसाब से P1V1 = P2V2 होता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में P1V1 जो है P2V2 के बराबर होता है, आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक? मतलब दो गैसेज हैं तो उनका प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर होगा अगर वो दोनों कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है? और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है जैसा कि अभी हमारे केस में। तो ये पता है, अगर मान लो मुझे एयर का प्रेशर पता चल जाए, एयर का वॉल्यूम पता चल जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पता चल जाए, तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकाल सकता हूँ कि नहीं? हाँ जी। तो इस सेटअप का काम यही है कि एयर की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर निकालना। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, एयर का हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे, एयर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इस ग्लास के अंदर वो निकाल लेंगे, ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो निकाल लेंगे, और P1V1 = P2V2 लगा के हम लोग जो है इसके प्रेशर निकाल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। आई होप ये क्लियर होगा ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो अब एंड्रयू ने क्या किया, एंड्रयू ने जो है इसके अंदर का प्रेशर जो है बढ़ाते गए, ठीक है? पहले उन्होंने टेम्परेचर रख लिया जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 13.1 डिग्री सेल्सियस, और इसके अंदर का प्रेशर वो बढ़ाते गए, ठीक। फिर इन्होंने रीडिंग्स नोट कर ली, फिर टेम्परेचर बढ़ाया इतना 21.5 डिग्री सेल्सियस, फिर रीडिंग नोट कर ली, फिर 31 पॉइंट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते प्रेशर मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, फिर प्रेशर बढ़ाया, रीडिंग नोट की, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, रीडिंग नोट की, ऐसा चलता जा रहा था। तो उनको जो है कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है दिखाई दिया, आई होप ये ग्राफ दिख रहा है, हाँ ठीक। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा था 48.1, तो एकदम नॉर्मल कर्व मिल रहा था, ये पीवी कर्व है बाय द वे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कर्व बनाया गया, ठीक। तो प्रेशर जब टेम्परेचर जब 48.1 था, तो एकदम जैसे जैसे वॉल्यूम कम हो रहा था, ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा था तो वॉल्यूम कम हो रहा था, एकदम बढ़िया सा ऐसा कर्व मिल रहा है, देखो एकदम स्लीक सा कर्व है ना। टेम्परेचर कम किया,
फिर से प्रेशर बढ़ाते गए, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए फिर से एक स्लीक सा कर्व मिला बढ़िया सा, ठीक है। इसके बाद फिर टेम्परेचर और कम किया, प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ा रहे देखो एक और स्लीक सा कर्व मिला। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 31.1 पे जैसे ही प्रेशर इस टेम्परेचर पे लाए 31.1, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया देखो एक हल्का सा यहाँ पे ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप का आ गया है ना, जैसे रोड पे होता है स्पीड ब्रेकर वैसा हो गया है। आई होप दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा यार ये तो बड़ी अजीब बात है, तो थोड़ा और टेम्परेचर कम किया। अब की रोड ब्रेकर छोड़ो एक पहाड़ टाइप का ही बन गया, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया ये देखो एक पूरा एक फ्लैट लाइन मिली और एक ये स्ट्रेट, ठीक है। और फिर इन्होंने सोचा और कम करते हैं, तो और कम करने पे ऐसी लाइन मिली ये लास्ट वाली, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है ये वाला, ये आइडियल गैस रीजन है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर कोई गैस है, इस स्टेट में कोई गैस है, तो उसे आइडियल गैस कहेंगे। ये जो रीजन है, ये जो ग्रीन ग्रीन है, इसे कहते हैं लिक्विड वेपर रीजन, ठीक है। इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, इसके अंदर जो कोई भी गैस होगी तो वो लिक्विड और वेपर के एक मिक्स फॉर्म में रहेगी, ठीक है। जैसे तुमने मान लो किसी बर्तन में पानी रख दिया, ठीक है, उबलने के लिए गैस के ऊपर, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। थोड़े टाइम बाद तुम देखते हो कि उसके अंदर गैस भी है और साथ में ढक्कन पे वेपर्स भी हैं, है ना। तो वो होता है लिक्विड वेपर रीजन, ठीक। इससे ये वाला जो रीजन है इस कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसे कहते हैं लिक्विड रीजन। यहाँ कोई होगा तो वो लिक्विड होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो देखो ये जो स्पेशल टेम्परेचर था, है ना, जिसके बाद ये स्पीड ब्रेकर दिखाई दिया हमें, इसे कहते हैं हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। ये जो स्पेशल टेम्परेचर था जिसमें ये एकदम बढ़िया वाला कर्व जो एक स्पीड ब्रेकर बन गया, इसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का काम क्या होता है, उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। देखो ये वाला रीजन था लिक्विड रीजन, तो कार्बन ये क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पे हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस रीजन में सिर्फ इन दो जगह पे गई, ये दो लाइंस दिख रही हैं, इन दो जगह पे गई है सिर्फ लिक्विड रीजन में। तो यानी कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसके नीचे अगर कोई टेम्परेचर होगा और हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी गैस किसमें चली जाएगी, लिक्विड फेज में चली जाएगी या लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर, आई होप समझ में आया होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे अगर कोई भी हम लोग टेम्परेचर ले लें, जैसे कि यह 31 के आसपास है, तो इससे नीचे मैंने ले लिया 21, ठीक है। तो इससे नीचे अगर टेम्परेचर रहेगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो गैस लिक्विड बन जाएगी। फिर से सुनते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है, उसके नीचे अगर हम लोग कोई भी टेम्परेचर लें और प्रेशर बढ़ाएं उस गैस पे, तो वो गैस जो है लिक्विड बन जाएगी। और एंड्रू ने यही पाया, एंड्रू ने क्या देखा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब ये गए इस एक्सपेरिमेंट में और यहाँ प्रेशर बढ़ाया, तो इस रीजन में ये जो कैप था, जो स्केच में हम लोगों ने कैप लिया था, है ना, इस रीजन में, यानी कि इस रीजन में उन्हें जो है क्या कहते हैं, उन्हें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मिली, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो कुछ जो है हम लोग टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे प्रेशर बढ़ाने पे वो लिक्विड में बदल जाती है। क्रिटिकल प्रेशर, अब तुम लोग खुद से भी बता सकते हो, एक ऐसा मिनिमम प्रेशर जो लिक्विड फेज में ट्रांसफर कर दे, जैसे कि देखो इस इतना प्रेशर इन्होंने लगाया, इतना प्रेशर लगाया, ठीक है, इस पार्ट पे प्रेशर लगाया, तो देखो लिक्विड नहीं बना, इधर भी नहीं बना, लेकिन यहाँ पे जैसे ही इस प्रेशर पे आई ये लिक्विड बन गया, है ना। तो इसे क्रिटिकल हम लोग प्रेशर कहेंगे। वैसे ही क्रिटिकल वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जिसपे जो है कोई भी गैस लिक्विड बन जाए। क्रिटिकल पॉइंट, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आई होप ये तुम लोग को एक छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा एंड्रूज के एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा सा मैं इनसाइट दे पाया होगा कैसा सेटअप होता है। मैं लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दे दे रहा हूँ जिसमें एक्चुअल में एंड्रू का जो एक्सपेरिमेंट है वो दिखाया गया है, तो उसको चेक कर लो, तुम लोग को सब समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।